हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है डे टू हमारी सिएटल की ट्रिप का, एंड आज हमने कुछ कुछ एक्टिविटीज़ प्लान की हुई है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, क्योंकि क्रिसमस लाइट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे होती है। लेकिन दिन में हम सोच रहे हैं पाइक प्लेस घूम के आते हैं, वहाँ पर चाय पियेंगे, एंड हो सका तो आगे जो आसपास वाले एरियाज हैं वो भी एक्सप्लोर करेंगे। तो चलो जल्दी से चलते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं पाइक प्लेस मार्केट, और आज क्योंकि सनी डे है तो इतना ब्यूटीफुल सा लग रहा है। फ्रेंड्स, अब हम गुजर रहे हैं सबसे पुराने स्टारबक्स के सामने से, और यहाँ पर जो लाइन लगी है मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ। ये देखो, वो जो पीछे तक दिख रही है ये स्टारबक्स की लाइन लगी हुई है। ये रहा यहाँ का सबसे पुराना स्टारबक्स। चीज शॉप के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर लाइव चीज बनता हुआ हम देख सकते हैं। तो यहाँ का माहौल दोस्तों देखो ऐसा है, एकदम भीड़, म्यूजिक बज रहा है, खाने पीने की जगह। और ये देखो, क्योंकि क्रिसमस है तो सब घर आए हुए हैं, अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पर। इस साइन बोर्ड के जस्ट पास है ये फेमस अदिति चाय मसाला की शॉप, लेकिन हम यहाँ पर आए तो हमें बंद मिली है। वैसे ये 2 बजे तक खुली होनी चाहिए थी, धोखा हो गया हमारे साथ। तो यहाँ पे दोस्तों ये सब चीजें मिलती हैं, ग्रोसरीज और फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजीज के अलावा। तो आपको अपने घर वालों के लिए सोविनर लेना है तो वो भी ले सकते हैं। दोस्तों, हमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिली यहाँ पे। यहाँ पर लिखा है शो अस वेयर यू केम फ्रॉम, तो पिन करो जहाँ से आए हो। तो हमारे इंडिया पे, इंडिया कहाँ गया भाई, इंडिया पे ऑलरेडी इतनी सारी पिन्स लगी हुई हैं, जगह है थोड़ी। तो पाइक प्लेस के जस्ट बाहर कुछ ऐसा व्यू है दोस्तों। पाइक प्लेस घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि है गमबॉल। लास्ट टाइम जा ही नहीं पाए थे वहाँ पे, इस बार जाके देख ही लेते हैं कि वो क्या चीज़ है। तो हम आ गए हैं गमबॉल, जो कि ऐसी दिखती है। अब इसके लिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, यू गाइस कैन सी। टूरिस्ट सारे यहाँ आके फोटो ज़रूर खिंचवाते हैं, बट लुक एट द एली। मेनी आवर्स लेटर। तो फ्रेंड्स, दिन में डाउनटाउन सिएटल घूमने के बाद अब हम आ गए हैं शाम को यहाँ की लाइट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। और डाउनटाउन सिएटल वैंकूवर से भी ज़्यादा सजा हुआ है इन टर्म्स ऑफ लाइट। मैं अभी आपको दिखाती हूँ जहाँ पे सिएटल में ट्री लाइटिंग हुई थी वो जस्ट हमारे सामने है। ये देखो, ये सिएटल ट्री लाइटिंग यहाँ पे हुई थी, और इसके जस्ट अपोजिट ही, आई मीन लेफ्ट में थोड़ा, ये ब्यूटीफुल सा स्टार है। एंड देन व्हेन यू टेक अ लेफ्ट तो ये सारा एरिया आ जाता है जहाँ पर बहुत सारी लाइटिंग हो रही है। अभी हम यहीं जा रहे हैं, लेट्स गो। A few moments later. तो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं क्रिसमस मार्केट। कैसे बट? पहले हमने सोचा कि हम वॉकिंग जाएं, बट वी चोज अ बेटर वे और हम जा रहे हैं मोनोरेल से। तो अब इनको मोनोरेल का स्टेशन भी दिखा देते हैं। ये यहाँ पर ऊपर हीटिंग हो रखी है, प्रॉपर लाइट्स, एंड यहाँ ये इसका एंट्री है और वहाँ से हम ले रहे हैं टिकट्स। फ्रेंड्स, ये थी मोनोरेल की टिकट, इसको हमने बस क्यूआर कोड स्कैन किया और हम स्टेशन में एंटर हो गए। तो फ्रेंड्स, अब आगे हमारी मोनोरेल और तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं क्रिसमस मार्केट की एंट्री पर, और ये रही लाइन जिसमें हम खड़े होंगे अब। लेकिन अब देखो, हम इस लाइन के बहुत पीछे खड़े हैं, तो ये लंबी सी लाइन है क्रिसमस मार्केट में घुसने की। यहाँ पर वो नहीं है क्या कुछ एक्सप्रेस पास, हमें पता ही नहीं था रिचमंड में हम घुस गए। हम क्रिसमस मार्केट में घुस चुके हैं सिएटल की, और एंट्री पर ये सुंदर सा कराउसल है, एंड आगे अभी हम और जाएंगे, भीड़ बहुत है। और लेफ्ट साइड ये छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई हैं जहाँ पर आपको वुडन गिफ्ट्स, हेयर एक्सेसरीज और पजल्स ऐसी करके चीज़ें मिल रही हैं।
यहाँ पे देखो क्यूट क्यूट चीजें बड़े हैं फ्रेंड्स. ओह दिस इज सो क्यूट. वैंकूवर क्रिसमस मार्केट जैसे यहाँ पर भी ये जर्मन इन्फ्लुएंस्ड मार्केट है. एंड ये देखो ये भी जर्मन में कुछ लिखा हुआ है ग्लूवेन. आई डोंट नो व्हाट डज दिस मीन. मैं सर्च करके यहाँ डाल दूंगी. और यहाँ से ही ऊपर आपको स्पेस नीडल भी दिख रहा है. तो अब हम यहाँ से जाएंगे इधर. अभी तक कैसी लग रही है मार्केट आपको साम? पैसा 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 वेस्ट. नहीं पैसा वेस्ट नहीं, मतलब शॉपिंग करने के लिए भी पैसे खर्च करने वाली बात है. हाँ हाँ ट्रू. यहाँ पे इसमें ऑर्नामेंट्स पड़े हैं सुंदर सुंदर से यहाँ पर. तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं यार यहाँ पे. थोड़े ग्लास ऑर्नामेंट्स हैं यहाँ पे. क्रिसमस थीम मार्केट है. ज़्यादातर आपको क्रिसमस ऑर्नामेंट्स और खाने की चीज़ें मिलेंगी. अब जैसे हम इस लेन में स्टार्ट करने लगे हैं जहाँ पर सारे खाने के आइटम हैं, मैकरूनस हैं, डेजर्ट्स हैं और ये आगे जैम है. तो अब हम इसको धीरे धीरे करके एक्सप्लोर करेंगे. फ्रेंड्स अब हम फूड वाली स्पेसिफिक रो में हैं. और यहाँ पे देखो काफ़ी फ्री सैम्पल्स भी मिल रहे हैं. जैसे यहाँ पे पॉपकॉर्न्स एंड कैंडीज, टॉफी पॉपकॉर्न एंड वहाँ पे फज थी. बहुत इंटरेस्टिंग शॉप दिखी है. चॉकलेट आइडिया. अगर आप इसमें आगे जाके देखो तो यहाँ पर चॉकलेट शेप के ये अलग अलग चीज़ें पड़ी हैं. ये चॉकलेट ही है एक्चुअली. कैंस, ओपनर्स एंड ये देखो दिस इज ऑल चॉकलेट. एंड इस साइड देखो वही क्रिसमस रिलेटेड आइटम्स हैं. अगर आपको अपने क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने के लिए क्रिसमस ऑर्नामेंट्स हैं वो सब चाहिए तो यहाँ पर आपको ऐसे सुंदर सुंदर ऑर्नामेंट्स मिल जाएंगे. स्टॉकिंग्स भी है. रहे हैं प्रेजल्स. एंड ये मिल रही है यहाँ पे ड्राइड कैंडीज. दोस्तों यहाँ पे मिलता है वुड फायर्ड पिज्जा जिसके ऊपर आपको खाली पिज्जा सॉस, चीज और टमाटोज, दैट्स इट. और वो वुड फायर्ड यहाँ पर होती है. तो यहाँ पर वो पिज़्ज़ा बनेगा और फिर यहाँ से आपको मिलेगा. और फर्दर दोस्तों यहाँ पर भी और भी डेकोरेशन है. एंड ये देखो ये मेरे को लग रहा है थोड़ा फूड कोर्ट सा बना रखा है. जैसे खाने के लिए अंदर, जैसे बाहर थोड़ी ठंड सी है ना तो यहाँ पे आके बैठ जाओ आराम से. बहुत सारे सुंदर सुंदर ट्रीज हैं. तो ये भी जैसे कल आपने हम 11th फ्लोर देखा था वो भी बवेरियन विलेज टाइप था. ये भी जर्मन इंस्पायर्ड मार्केट है जहाँ पे मतलब बेसिकली यूरोप में जैसी मार्केट्स लगती हैं वैसी, जैसी वैंकूवर में भी इसी का एक रेप्लिका लगती है. हम उसमें गए नहीं हैं बट हमने वीडियोज़ में देखा है. लाइट लाइट हर जगह. इंटरेस्टिंग स्टॉल दिखा जो मुझे ये है चूरोज आइसक्रीम का स्टॉल. और महक लगी है वहाँ पे. फ्रेंड्स कुछ ऐसा रहा हमारा सियाटल क्रिसमस मार्केट का सफर. अच्छी मार्केट है. मतलब मैं अगर इसका रिव्यू देना चाहूँगी तो मुझे रिचमंड नाइट मार्केट से बेटर लगी थी बिकॉज ये थोड़ी क्रिसमस थीम थी. तो अगर आपको क्रिसमस रिलेटेड चीज़ें लेनी है जैसे क्रिसमस ऑर्नामेंट्स लेने हैं या और कुछ क्रिसमस रिलेटेड आपको लेना है तो उस हिसाब से ठीक है. एक कराउजल है, थोड़े बहुत खाने के आइटम है एंड आपकी इसमें एंट्री टिकट होती है. जैसे इट्स एंट्री इज नॉट फ्री, यू हैव टू बाय दैट बिफोर हैंड. स्लॉट्स बुक करके आना होता है एंड देन फिर अंदर आके भी आपको पे करके बाकी सारी चीज़ें लेनी है. तो ओवरऑल ओके ओके एक्सपीरियंस था. बट हाँ इफ़ यू आर इन सियाटल एंड यू वॉन्ट टू डू समथिंग क्रिसमसी दिस इज इट. सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग. तब तक टेक केयर. बाय बाय. वेलकम टू सियाटल सेवन मॉर्निंग. प्लीज टेक अ सीट और होल्ड ऑन टू द एंड.